बेक्ड ओट्स तो बन गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मंडे मॉर्निंग सुबह 5 बजे किचन में राजीव और रायन के लिए लंच बॉक्सेस पैक कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद रायन प्रॉपर लंच बॉक्स लेके जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। फिर मैं उसका फाइनल एग्ज़ाम्स था, फिर मार्च में उसका ब्रिज क्लासेस, फिर रमदान चल रहा था तो लंच घर पे ही आके कर रहा था। फाइनली बैक टू द प्रॉपर रूटीन। और रायन के लिए आज मैं बना के दे रही हूँ पनीर रैप। और ये जो रैप है रिफ का, बहुत ही हेल्दी है। ये वाला है ओट्स ब्रेड और सिर्फ 10 कैलोरीज एंड इट्स टेस्टी एंड फिलिंग। ये हमने कारपोर्ट से लिया था, लुलू में भी अवेलेबल है। राजीव भी रैप लेके जा रहा था लेकिन उसको पनीर के साथ नहीं चाहिए था, तो उसके लिए पीनट बटर। और ये वाला जो पीनट बटर है इट्स विदाउट एडेड ऑयल, एडेड शुगर और एडेड सॉल्ट जो कारपोर्ट में मिल जाता है। और यहाँ पे राजीव का सैलड में जा रहा है 2 टाइप का चना, रॉ पीनट सोक्ड और साथ में ही क्यूकम्बर। हाँ, रायन का चॉइस ऑफ फ्रूट में है कीवी। और रायन आज एज अ वेरी गुड बॉय हैड बनाना एंड ही वेंट। उसको आमंड्स अभी कुछ दिन नहीं खाना है तो ओके फाइन, इट वाज हिज चॉइस दैट ही विल हैव बनानास। और जो लेफ्ट ओवर चना है उसको मैं ऐसे बॉक्सेस में रख देती हूँ ताकि जो एक्सेस पानी है नीचे से ड्रेन हो जाए। तो दोनों का लंच बॉक्सेस पैक हो चुका है। ये रायन का। और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लोड कर रही हूँ पर अभी चलाऊंगी नहीं, टाइमर लगा दूंगी ताकि मैं राजीव और रायन चले जाने के बाद आई विल गो फॉर अ नैप। और जब मैं नैप से उठूंगी वॉशिंग मशीन ने भी अपना काम कर चुका होगा। और वही आफ्टर फ्यू आवर्स मैं खुद नैप से उठने के बाद चाय वाय पिया और वॉशिंग मशीन ने अपना काम कर दिया, तो बस वही कपड़े डालने के लिए बाहर जा रही हूँ। तो थोड़ा सा प्लानिंग से ना बहुत कुछ ईजिली सॉर्टेड आउट हो जाता है। पहले मैं रेगुलरली रोज अपना फ्रेश बनाती थी बेक्ड ओट्स, बट जब से YouTube स्टार्ट किया है मेरा सुबह एडिटिंग रहता है, अपलोडिंग रहता है। पहले तो शुरू में मैंने तो डेली व्लॉग्स डाल रही थी, सिंस लास्ट 2-2.5 मंथ्स मैं ऑल्टरनेट डेज पे डाली हूँ, फिर भी देर इज़ लॉट ऑफ वर्कलोड। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि एकदम 3 टाइम का मैं बना कर रखूँगा, आज एक और नेक्स्ट 2 डेज का, तो मैं मेजर करके बना दूँ। मैंने ईच डे का 15 ग्राम्स ऑफ ओट्स लिया है। 15-20 ग्राम्स ऑफ ओट्स इज इनफ। ओवरनाइट ओट्स सिर्फ मुझे कॉफ़ी फ्लेवर पसंद है, वो भी मैं बना के रखती हूँ, लेकिन अभी मेरा सोर थ्रोट है, अभी वो इंडिया से बुखार लेके आई थी, वो फीवर तो तब 2-3 दिन में चला गया था लेकिन सोर थ्रोट अभी भी है। ये क्यों बंद नहीं हो रहा, वो गले में बोलते ना खिच, वो अभी भी है, इसीलिए ओवरनाइट ओट्स मैं नहीं खा पा रही हूँ, इस कोल्ड। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स योगर्ट लिया है, 3 मिल्स का बना रही हूँ। क्योंकि मेरा आइसो है, मेरा वे प्रोटीन आइसो है, बेकिंग में वो फ्लेकी बन जाता है, इसीलिए योगर्ट ऐड कर रही हूँ। अगर वे कॉन्सेंट्रेट ही है देन यू विल नॉट नीड या केसिन, आई थिंक सो। अगर हाई है केसिन कंटेंट आपका प्रोटीन में तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। ईच डे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो उस हिसाब से मैंने ले लिया है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तब भी ये वो थोड़ा सा ब्राउनी वाला टेक्सचर होगा, थोड़ा सा हार्ड, वो फ्लफी नहीं होता है, अदरवाइज कोई भी टेस्ट वाइज या कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया पिंच ऑफ सॉल्ट। बस आप इसको पानी या कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हो।
चॉकलेट में मैं 3 मिल्स का ऐसे 3 डालूंगी। आप इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हो अगर आपको बेक्ड वाला फ्रूट्स का कुछ फ्लेवर पसंद है तो, नट्स डाल सकते हो, फ्लैक्स सीड ग्राउंड पाउडर बना के आप इसमें मिक्स कर सकते हो। टेन मिनट्स करने के बाद मैं कुक करके एक बार चेक कर लूँगी, ज़रूरत पड़ेगी तो 1 या 2 मिनट में फिर से कर लूँगी। थिकनेस पे डिपेंड होता है बेकिंग ना, अगर पतला लेयर हुआ है तो जल्दी बन जाएगा, ये थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। और जब तक मेरी ओट्स बन रही थी मैं यहाँ पे फटाफट वैक्यूमिंग कर रही थी, और वैक्यूमिंग से पहले मैंने लिविंग रूम डस्टिंग भी कर लिया था। और वैक्यूमिंग ख़त्म होते होते यहाँ पे मेरी ओट्स भी बन चुकी है। आप लोगों को लगेगा सब फटाफट, एक तो एडिटिंग का कमाल है। खैर यहाँ पे मेरी ओट्स रेडी हो गई है, बेक्ड ओट्स तो बन गई है। थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो मैं 3 पोर्शंस में पोर्शन ऐड कर लूँगी। आज का मैं स्ट्रॉबेरी के साथ खाने वाली हूँ, यूजुअली स्ट्रॉबेरीज के साथ ही खाती हूँ। जब तक मेरी ओट कूल डाउन हो रही थी बैक टू क्लीनिंग वर्क, यहाँ पे मैं एकदम फटाफट मॉपिंग कर रही हूँ। और हाँ, आप लोगों को ज़्यादा ही फटाफट लग रहा है, काश रियल लाइफ में भी इतना ही सब कुछ फटाफट हो जाता। आज मैंने थोड़ा सा कम पोर्शन ऑफ ओट्स लिया है, बहुत लेट हो गया है, अब ये खा के मैं इमीडिएट जिम जा नहीं पाऊँगी, इसीलिए थोड़ा सा पोर्शन कम कर लिया ताकि और डिले ना हो। टुडे हैज़ बीन अ वेरी प्रोडक्टिव मंडे। सुबह से डस्टिंग हो गई है, वैक्यूमिंग, मॉपिंग, लॉन्ड्री, लाइक बच्चे को भी घर का खाना देके स्कूल वूल भेजते हैं, और सबसे प्रोडक्टिव फील करती हूँ ना साफ सफाई के बाद अगर मैं जिम जा सकूँ, दैट्स व्हेन आई फील कि या टुडे इज़ अ प्रोडक्टिव डे। घर के काम, घर पे खाना बनाना, ये सब तो हो ही जाता है, ये सब में तो कोई मतलब मिस नहीं हो सकता। एक हो जाता है टायर्ड होने के बाद मिस, वो है जिम। जिस दिन मैं इतना सारा काम के साथ जिम भी कर लेती हूँ ना, आई फील आई हैव अकम्प्लिश माई डे वेरी वेल। तो चलिए साथ में चलते हैं, और बकबक करूँगी ना तो लेट हो जाएगा। मस्ट, पिछले 2 महीने तो बिना छतरी लेके जा रही थी, बट नाउ इट्स क्वाइट हॉट, 36 डिग्रीज। चले आपके स्कूल स्नैक्स बना रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, यू विल नो कि रायन स्कूल से आके हैवी खाना उसको नहीं खाना है, खाना तो चाहिए, इज अ ग्रोइंग चाइल्ड, टीनेजर है, बॉय है, स्पोर्ट्स खेलता है, इज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, बट स्टिल इसीलिए मैं एक पोलेट एक्स्ट्रा लार्ज वाला साथ में एक बाइट डाल के उसके लिए ब्रेड ऑमलेट ही बना के दे रही हूँ। चिली ऑयल मेक्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग बेटर। ही शाउटिंग फ्रॉम देयर बिकॉज ही डिडंट गेट चिकन। ये तो हो गया रायन का, उसके साथ आज उसको मैंने ऑरेंज जूस दिया नहीं क्योंकि ऐसे ही वो बहुत चिल्ला रहा है। तो स्टोर बॉट नो एडेड शुगर, 100% मैंगो जूस वो चाहिए था वो दे दिया, और साथ में ये है मेरा बोरिंग सा आफ्टर जिम फूड। मुझे बहुत भूख लगी है, ये जो सुबह जैसे रान को दिया था ना पनीर भुर्जी डाल के एक रैप, वैसा ही। आज मंडे है, नॉनवेज नहीं खाते, पर रान को मैंने एक दे दिया, ही नीड्स सम प्रोटीन। तो चलिए मैं रान को देती हूँ और मैं खाती हूँ, फिर रैप सुनती हूँ।
आज डिनर में बना रही हूँ पराठा और साथ में आलू मेथी की सब्जी और कद्दू की सब्जी। आलू मेथी की सब्जी के लिए ना मेथी मैंने जिस दिन लाई थी वो उसको चुन के साफ करके थोड़ा सा और क्या बोलते उसको सौते करके रख दिया था ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी तो आई नहीं कि आलू मेथी बनाऊँगी तो कोई नहीं खाने वाला है। और दोनों सब्जियाँ मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कद्दू की सब्जी से। और आलू मेथी की सब्जी भी मैं आलू बॉईल करके ही बनाती हूँ। इससे बॉईल्ड आलू से पानी में बॉईल करने से क्या होता है उसमें काफ़ी सारा शुगर और स्टार्च उसका निकल जाता है आलू का। और अभी आलू को बॉईल किया वो गर्म है तो थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा स्मशी सा हो जाएगा। तेल गर्म होते ही मैंने यहाँ पे 5 फोरन डाल दिया है और एक ड्राई रेड चिली तोड़ के डाल दिया है। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड होता नहीं है पर खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फाइनली चॉप्ड अदरक और ग्रीन चिली ऐड किया है। थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ पम्पकिन। पम्पकिन को 50-60% कुक कर लूँगी। परवल मुझे यूज़ आज नहीं करना था तो इसीलिए इसको पील करके अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख दूँगी। इससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। और साइड बाय साइड मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू मेथी। उसके लिए सरसों का तेल गर्म होते ही मैंने डाल दिया फाइनली चॉप्ड अनियन, और अनियन के साथ ही थोड़ा सा ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया है। अनियन को ट्रांसलूसेंट कर लेना है। और साइड बाय साइड मैंने कद्दू में भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है ताकि वो थोड़ा जल्दी कुक हो जाए। आलू मेथी की सब्ज़ी में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भूनना है ताकि रॉ स्मेल चला जाए। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमेटोज, और उसी के साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर। बस मसाले में मैं और कुछ ऐड नहीं करती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी में। बैक टू कद्दू की सब्ज़ी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बस उसको अच्छे से मिक्स करके ढक के पूरा कद्दू को कुक कर लेना है एकदम सॉफ्ट टिल यू डिज़ायर। और यहाँ पे मैं सौते किया हुआ मेथी को ऐड कर रही हूँ। अगर आपका फ्रेश मेथी अभी डाल के थोड़ी देर और सौते कर लीजिए। मेरा सौते किया हुआ था तो इमीडिएटली उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉयल पोटैटोज डाल दिया है। आलू को मैंने माइक्रोवेव में बॉयल कर लिया था। कद्दू की सब्ज़ी हो गई है, बस थोड़ा सा आमचूर डालूंगी और अच्छे अच्छे मिक्स कर लूँगी। आमचूर डालने के बाद थोड़ा सा इसको ओवर कुक करूँगी। इट्स ऑलरेडी बॉयल्ड, देख सकते हो हल्का सा मारने से थोड़ा, पर घर में सबको थोड़ा सा ना मशी सा पसंद है। बारिश हो रही है, अप्रैल में दुबई में बारिश नेचुरली तो होता नहीं है, मे बी इस क्लाउड सीडिंग। और सुबह तो आप लोगों ने देखा कि मैं कपड़े धोई थी, अभी थैंक गॉड बाहर है, पूरा बालकनी छींटे से आ रहा था, मैंने फटाफट कपड़े उठा लिया। और बास्केट लाने का भी टाइम नहीं था तो मैंने किसी भी तरह कपड़े उठा के यहाँ पे डाल दिया। मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ, मैं हमेशा क्लॉथ ये बास्केट लेके जाती हूँ, वहीं पे खड़े खड़े फोल्ड भी करके बास्केट में डालती जाती हूँ। तो ना एक काम हो जाता है कपड़ा उठाना और कपड़े को फोल्ड करके रखना, दोनों साथ साथ हो जाता है। पर खैर, पर बारिश हो रही है, एक कप चाय तो बनती है वो भी नए वाली कप में, ये तो मेरी फेवरेट है। आई मीन जस्ट लव विद दिस कप, इजंट इट। ऐसे ही चाय अच्छी नहीं हो जाएगी ऐसे कप में चाय बनाई। चलिए मैं चाय पीती हूँ और ये कपड़े फोल्ड करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
डिनर इज रेडी, पराठा और साथ में आलू मेथी की सब्जी और खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। लास्ट बट बहुत इम्पोर्टेंट वर्क टू एंड द डे, किचन क्लीनिंग। क्लीन किचन, क्लीन माइंड एंड अ गुड नाइट स्लीप। किचन क्लीनिंग कंटिन्यू करती हूँ और आप लोग से बाय कहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।